हेलो क्लास थर्ड, सब्जेक्ट है बच्चों आपका अनुपम हिंदी व्याकरण। अनुपम हिंदी व्याकरण और इसमें आज पेज नंबर 39 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 39, तो देखिए जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया था पाठ 5 से और 8 तक, पाठ 5 से और 8 तक, तो उसी पे आधारित ये कुछ प्रश्न उत्तर बनाए हैं और उनको सॉल्व किया है। तो ध्यान से इसको देखिएगा, एक तरफ से आपका क्या है, ये टेस्ट है। ओके, तो अभ्यास पत्र सेकंड, इससे पहले आपने अभ्यास पत्र फर्स्ट किया था, सॉल्व किया था, और आज आप क्या करेंगे, अभ्यास पत्र सेकंड सॉल्व करेंगे। तो ये है पाठ 5 से 8 पर आधारित। ओके, सबसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आया आपका, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। उचित सर्वनाम शब्द, तो जो आपको उचित लगता है, यहाँ पे देखिए सर्वनाम शब्द दिए हैं, इनको क्या करना है, आपको फिलअप करना है, इनको भरना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क में आया है, डैडस चित्रकारी का शौक़ है। मैंने, मैं या मुझे, तो मुझे चित्रकारी का शौक़ है। सेंटेंस क्या बनना चाहिए, सही वाक्य बनना चाहिए। ख देखिए, डैडस देखते ही चोर भाग गया। वे देख के, उसका देख के या उसे देख के, उसे देखते ही चोर भाग गया, उसे देखते ही चोर भाग गया। गौ में देखिए, क्या डैडस भी मेरे साथ चलोगे, तुम हम आप, तो क्या आएगा, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए संज्ञा शब्द, शब्दों और विशेषण शब्दों के सही जोड़े बनाइए और लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे मीठा, हरा, खट्टा, वीर, नीला, और इधर देखिए सैनिक, आसमान, पेड़, आम, नींबू, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आया पहले में, नीला, आसमान, हरा, पेड़, वीर, सैनिक, मीठा, आम और खट्टा नींबू, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, वीर सैनिक, खट्टा नींबू, मीठा आम, हरा पेड़ और नीला आसमान, और इसको आगे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप बुक में कर सकते हैं, उसके बाद आगे लिख लो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के लिंग बदलकर दोबारा लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है दादी जी अखबार पढ़ रही हैं, तो इसका लिंग बदल दिया हमने, दादी का दादाजी का, दादाजी कर दिया, तो दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। कॉमेडी के, शेरनी शिकार करती है, तो शेर का हमने, शेरनी का हमने शेर बना दिया, तो शेर, शेर शिकार करता है, ठीक है ना। ख में देखिए, घोड़ा सजा खड़ा है, घोड़ा क्या है, सज के खड़ा हो रखा है, तो घोड़ी सजी खड़ी है, तो घोड़ा का घोड़ी, ठीक है। गौ में देखिए, चूहा दौड़ रहा है, चूहा दौड़ रहा है, चूहिया दौड़ रही है, तो चूहा का चूहिया, ठीक है ना। इसमें लिंग बदल रहे हैं, स्त्रीलिंग का पुलिंग और पुलिंग का स्त्रीलिंग हो रहा है। हाथी, हाथी विशाल जानवर है, हथनी विशाल जानवर है, हाथी का हथनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, स्त्रीलिंग और पुलिंग बनाना भी आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें, नीचे झोपड़ी में मिले जुले शब्द हैं, उन्हें वचन के आधार पर लिखिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो दो किए हैं, बाकी आपको करने हैं। देखो मैंने यहाँ से ढूंढा कहानी, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक वचन में कहानी, और मैंने ढूंढा पुस्तक, तो यहाँ पे लिखा पुस्तक, और बहुवचन मैंने ढूंढा कमीजें, देखो यहाँ पे कमीजें, और स्त्रियाँ, ठीक है ना, स्त्रियाँ, तो मैंने एक वचन और बहुवचन दो दो मैंने लिखे हैं, बाकी के आपको यहाँ पे खुद से लिखना है, अपने दिमाग से आपको यहाँ पे छांट के आपको पता करना है कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चों, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण शब्द को उचित स्थान पर लिखिए, जो विशेषण शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही। तो बबुआ बंदर नटखट था, ठीक है ना, क्या बताया जा रहा है, बबुआ बंदर, तो बंदर कैसा है, नटखट, तो नटखट इसकी क्या है, विशेषता। मेरे पास दो पुस्तकें हैं, दो क्या हैं, इसकी विशेषता है, ठीक है। ये अंगूर खट्टे हैं, तो खट्टे इसकी अंगूरों की क्या है, विशेषता है। लाल मिर्च लाओ, मिर्च क्या है, लाल, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसको आपके क्या करना है, इसको पहले बुक पे सॉल्व करिएगा और उसके बाद आराम से इसको कॉपी पे उतारिएगा। ये समझिए ये आपका प्रश्न पत्र है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 और ये आपको यहाँ पे खुद से लिखना है। यहाँ पे झोपड़ी में बने हैं ये एकवचन और बहुवचन शब्द, इनको आपको उतारना है और ये काम आपका कॉपी और बुक्स में दोनों में होना चाहिए।